कदो, एक औरत तुमसे माल छीन कर ले गई और तुम लोग यहाँ छक्के की तरह सर झुकाए बैठे हो। सरदार, काली औरत नहीं पिछली है, पिछली अचानक पिछली झपटा मार कर चली गई। सरदार, अरे तू ऐसे कर रहा है, क्या वो तेरी माँ लगती है? उस काली का कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। जिस कल्लू के डर से गांव के लोग छोरी और तिजोरी छुपा कर रखते हैं कि कहीं कल्लू ने देख ना ले और हड़प ना ले, इस काली ने कल्लू की इज्जत दो टके की बना दी है। इसका इलाज करना होगा। उसे पहले कानून में पड़े बढ़े कुछ लोग खरीदने होंगे। मैं अच्छी तरह समझ गया कल्लू भैया, कल रामा हड्डी जालने चला जाएगा। लूट लो। चली जाएगी भाई। अरे वहां कल्लू पर बिजली गिरी हुई है काली नाम की, और काली उसके हाथ नहीं लग रही है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, उसे रास्ते से हटाना होगा। उसे रास्ते से हटा दो, सरदार भी खुश होगा और तुम्हें भी खुश कर देगा। हमारे हाथ में एक लड़की आई थी। अच्छा, हमारे चंगुल से आकर निकल गई। काली ने उसे बचा लिया और लेकर चली गई। तुम एक काम करो जी, थानेदार से कहकर उसका काउंटर करवा दो। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुमको नहीं पता है, अरे पुराने थानेदार साहब को हटा दिया गया है, उनकी जगह पर नई थानेदार नहीं आई है। तो उसे खरीद लो। खरीद लो? अरे वो बिकने वाली नहीं है भाई, बड़ी ईमानदार और बड़ी कड़क है। हम कुछ नहीं जानते, सरदार को काली जिंदा नहीं चाहिए, बस उसका काउंटर करवा दो। ये तो कोई नाटक कर रहा होगा। लगता है मैडम आ गई, नाटक शुरू। बता, सच सच बता, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। बता, मुझे कुछ नहीं पता। ये क्या हो रहा है? ये डाकू काली का आदमी है, ये उसके लिए लड़कियों की हेरा फेरी करता है। मेरा नाम इंस्पेक्टर किरण है, जब मेरे हाथ चलते हैं तो गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। बता किसका भेद हो? मुझे नहीं मालूम, मुझे काली का पता नहीं मालूम। नहीं जानते? नहीं। कुछ नहीं मालूम? नहीं मालूम। बताता हूँ,
काली के लिए काम करता हूँ। मैं गांव की बोली वाली लड़कियों को पहला फुसा कर उन्हें काली के कहने पर शहर ले जाता हूँ और उन्हें काली के बताए हुए अड्डे पर उन्हें भेज देता हूँ। हवलदार पांडे। यस मैडम। मुझे काली की फाइल चाहिए जी। अभी अपने टेबल पर। रो मत। तुम उन कमीनों का नाम बताओ जो तुम्हें इस काबिल बनाया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम बताओ क्या नाम उनका। पैसे कमाने की लालच में मैं उनके साथ शहर जाने के लिए तैयार हो गई थी। मेरी मजबूरी थी। ये बात है, औरत की जिंदगी मजबूरी के दायरे में बंदी होती है रे, और उसी मजबूरी में औरत को सुख और शक्ति मिलती है। जानती हो, शहर के चकाचों ने औरत को और तुम लोगों को कोठे तक पहुंचा दिया है। जीवा। हुकुम काली। तुम इस लड़की को गांव तक छोड़ के आओ और पता करो वो कमीने इस वक्त कहाँ है, किधर है। काली, वो दोनों डरकर थाने में सरेंडर हो गए हैं। भड़वे का कलेजा पाव किलो का होता है रे। ठीक है, इसे ले जाओ। यहाँ से ये रास्ता महफूज है, तुम आराम से जा सकती हो। ठीक है। अरे छमिया, हमसे गलत मिल लो। अरे कहाँ जाएगी? अरे जंगल में मंगल हो जाएगा। तुम्हें शर्मिया। अरे इसे तो मैं बचा लूंगा, लेकिन उससे तुम्हें कौन बचाएगा? मुझे छोड़ दे। छोड़ देता हूँ। कल्लू से जाकर कह दे अपनी चिता की लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दे। क्या? केला? ये केला नहीं है, ये मेरा दिल है जो बहुत अकेला है। अकेला? तुम्हारा दिल? और इतना छोटा? ये केला छोटा है, मेरा दिल नहीं। मेरा दिल तो बहुत बड़ा है। मुझसे शादी करोगी? शादी? और वो भी ये केला लेकर? क्या समझा तुमने? पहले कुछ पैसे वैसे कमाओ, हाँ, फिर मुझसे शादी करो, फिर मैं केला खाऊंगी। रखो, बहुत देखे तुम जैसे ऐसे केले। केला देकर शादी करेगा। दिल के केला आंसुओं में बह गए। मेरी चम्मच, चलो जब तू ये केला नहीं खाएगी तो मैं ये केले का क्या करूंगा। मैं जा रहा हूँ। बिसर गईल रे, बिसर गईल रे मोर सजना सनेहिया। बिसर गईल रे मोरे सजना। अरे क्या बात है भैया, क्या बात है? काफी परेशान लग रहे हो। क्या अरे कोने लड़ाई हो गई क्या? अरे नहीं फूल बाबू, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि हम गंगा शादी करना चाहते हैं। जब तक पैसा कमाएंगे नहीं, वो हमसे शादी करेगी नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लो भजिया खाओ। अरे का भजिया खाए फूल बाबू, हमारे तो ससुरी जिंदगी भजिया बन गई है। अगर आप कहते हैं तो हम खा लेते हैं। अरे अरे ए फूल बाबू, इन्हें आओ, देखो तो क्या लिखा है। अरे इसमें लिखा है मुन्ना तिवारी तो जेल से फरार है और उसके ऊपर 1,00,000 रुपए का इनाम है भैया। 1,00,000 रुपया? अरे ए फूल बाबू, चल गया चक्कर हमारा। लेकिन मुन्ना तिवारी को पकड़ेगा कौन? ए फूल बाबू, हाँ मत दिलाओ। उसको पकड़ेगा कौन? अरे हम पकड़ेंगे, हम और कौन पकड़ेगा। और देखिएगा, पकड़ के हम उसकी ऐसी धुलाई करेंगे, ऐसी धुलाई करेंगे कि कपड़े की तरह निचोड़ के फेंक देंगे। हाँ अच्छा। और ससुर देखिएगा, हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा हाथ जोड़ के। हम कहेंगे पहले 1,00,000 रुपया हमारे सामने ला, फिर सटक लियो ससुर जेल में। तो चलिए मुन्ना तिवारी को चल के पकड़ते हैं। अरे देखा फूल बाबू, टाव मत दिलाइए। एक बार ये मुझे मुन्ना तिवारी मिल जाए ना तो
करना चाहिए तिवारी चाहिए। अरे वो दोनों ही तो एक ही बात है, अगर मुझे एक बार मिल जाए ना तो मैं उसकी ऐसी धुलाई करूंगा, ऐसी धुलाई करूंगा जैसे कपड़े को धोबी पटकता ले पटक पटक के निचोड़ निचोड़ के फेंक दूंगा और बोलूंगा लाख रुपया दे फुटले यार। मुन्ना तिवारी है, तिवारी तिवारी का मुन्ना है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अगर बचना चाहते हो तो जाओ यहाँ से, और इस लड़की को हिफाजत से गांव में छोड़कर आओ। अगर उसके साथ कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की, गोली कहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी कि वहाँ चलेगी।